देश प्रदेश सहित जिला फर्रुखाबाद में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई ईद उल अजहा। ईद के इस मुबारक मौके पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की ईदगाहों व मस्जिदों में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अदा की ईद की नमाज और देश में अमन व शांति की रो रो कर मांगी दुआएं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर जनपद फर्रुखाबाद में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की व मुल्क में अमन व शांति की दुआएं मांगी। फर्रुखाबाद शहर की पुरानी व नई ईदगाह में नमाज अदा कर नमाजियों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। आपको बताते चलें कि इस्लाम में ईद उल अजहा यानी बकरीद का बड़ा ही महत्व है और इसको लेकर काफी समय से तैयारियां चल रही थी। सिर्फ मुस्लिमों में ही नहीं, जनपद की पूरी जनता अपनी गंगा जमनी तहजीब के तहत ईद को लेकर उत्साहित है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी ईद को लेकर बड़े इंतजाम किए गए। नगर पालिका द्वारा ईदगाहों व मस्जिदों में साफ सफाई का इंतजाम किया गया तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा नमाजियों की कड़ी सुरक्षा की गई। नमाज के बाद शहर की तमाम आवाम ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने ईदगाह के पास उपस्थित रहकर नमाजियों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, मैं जनपद वासियों को ईद उल जुहा बकरीद के पेपर में ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये पर्व उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां समृद्धि लाए और ये भी अपेक्षा करता हूँ कि ये पर्व जो है पूरे गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए पूरे सौहार्द के साथ में। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, आपने देखा जो हमारी जोन और सेक्टर स्कीम है लागू है, सब अधिकारियों ने बढ़िया तैयारी की, सारे जगह चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात की और बहुत अच्छे से नमाज वगैरह अदा हुई। तो कांवड़ यात्राएं शुरू हो रही हैं, उसकी क्या व्यवस्था है अपने जनपद में? उसकी तैयारियां हम लोग अभी कर रहे हैं, मीटिंग कर लिए हैं, सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है और पानी बिजली मार्ग सभी पे सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। शहर की पुरानी ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज मौलाना शमशाद अहमद चतुर्वेदी ने अदा कराई तो वहीं नई ईदगाह में जामा मस्जिद पेश इमाम मुफ्ती मुअज्जम अली साहब ने अदा कराई। इसी के साथ ही शहर की तमाम मस्जिदों में वहां के पेश इमामों ने नमाज अदा कराई और अल्लाह तबारक व तआला से उसके दरबार में रो रो कर देश में अमन व शांति की दुआएं मांगी। जिले में तैनाती लेते ही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जिले भर की समस्याओं को परखा और ईद उल अजहा में जिले की आवाम की सुरक्षा में जुट गए और शहर की जनता को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा। और इस समय नमाज पूरे जनपद में लगभग तकरीबन समाप्त हो गया है। आप सभी के माध्यम से सभी जनपद वासियों को मैं ईद की हार्दिक बधाई देता हूँ और पूरा पुलिस बल सभी जगह तैनात था और अभी भी दिन भर पूरा पुलिस बल तैनात रहेगा और पूरा त्यौहार शांतिपूर्ण सम्पन्न। आपको बताते चलें कि नमाजियों की सुरक्षा व्यवस्था में जिले भर के तमाम आला अधिकारी लगे रहे। वहीं शहर की ईदगाह पर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव, एसडीएम व पालिका अधिशासी अधिकारी आदि तमाम अधिकारियों ने जिले की गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देते हुए सभी से त्यौहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की। तो वहीं ईद उल अजहा यानी बकरीद की जानकारी देते हुए काजी मुताहर अली ने यूपी 76 न्यूज को बताया। मुबारक और मुकद्दस दिन जो ईद उल अजहा के नाम से माना मनाया जाता है, बड़ी ही पुरखलूस माहौल में आज की नमाज ईद उल अजहा शहर की तमाम मसाजिद और ख़ास तौर से हमारे शहर की मरकजी ईदगाहों में बड़ी ही अच्छी तादाद में लोगों ने जाकर अदा की और अल्लाह की बारगाह में दुआएं की कि परवरदिगार आलम सब तरफ अमन अमान और सुकून की फ़िज़ा हो, हमारे मुल्क में अमन अमान कायम रहे और हम में भाईचारा और इसी तरह जिस तरह तरीके से और त्यौहारों को भी हम मनाते चले आए हैं, आज का ये त्यौहार भी हम खुशियों से लोगों को खुशियों में बांटें और लोगों की खैरियत पूछें और उनके घरों पर जाकर मुबारकबाद दें, यही आज का इस मुकद्दस दिन का पैगाम था।
लिहाजा उस सिलसिले में लोगों ने बड़ी ही मोहब्बत के साथ नमाज अदा की, आपस में गले मिले, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और लोगों के हाल चाल लिए। यही इस त्यौहार का मकसद होता है।